अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, आज हमारे पास एक इलेक्ट्रिक साइकिल हब मोटर फुल किट है। तो इसको हम एक बाइक बनाने वाले हैं, जो ई बाइक होता है वो बनाने वाले हैं। तो ये किट मैं मार्केट से लेके आया, एक बॉक्स में था ये। तो इसका फुल अनबॉक्सिंग का वीडियो आपको दिखेगा इसी वीडियो में, कि उस बॉक्स के अंदर क्या क्या मिलता है हमको और इस हब मोटर को आप किस तरह से कंट्रोलर के साथ सेटिंग कर सकते हो, वो इस वीडियो में पूरा आपको दिखेगा। तो सबसे पहले हम इसको अनबॉक्सिंग करेंगे, उसके बाद कंट्रोलर के साथ कनेक्ट करेंगे। इसका लाइट हॉर्न जो भी है, कटअप वायर जो है, जैसे कि पावर कार्ड वाला वायर, सब कुछ कनेक्शन करके आपको दिखाएंगे। अगर ये वीडियो आप पूरा देखोगे तो इस तरह का अगर इलेक्ट्रिक साइकिल आपके पास आता है या बाइक आता है तो आप उसका काम ईजी कर पाओगे। या तो अगर आप खुद बनाना चाहते हो इस तरह का प्रोजेक्ट तो वो आराम से बना सकते हो। तो चलिए मैं बॉक्स को ओपन कर लिया और इसमें से देखिए क्या निकल रहा है। सबसे पहले यहाँ पे निकला एक लाइट, ठीक है। तो ये सिंपल लाइट नहीं है, इस लाइट के साथ ही हॉर्न भी कनेक्शन है इसमें, इसके पीछे हॉर्न भी लगा हुआ है। और ये रहा इसका कंट्रोलर। तो ये कंट्रोलर आप देख सकते हो, ये दिखने में तो कन्वर्टर की तरह है, ई रिक्शा का कन्वर्टर की तरह, लेकिन ये हैवी वाइट भी है और पावरफुल है। और इसके साथ देखिए ये एक हॉर्न का और एक लाइट का स्विच है, ठीक है। तो इसी के साथ में आता है ये। तो आप वीडियो को लास्ट तक देखिए क्योंकि इसका कनेक्शन भी मैं बताने वाला हूँ। तो देखिए ब्लू वाला है हॉर्न और रेड वाला है लाइट। और यहाँ पर एक सेंसर दिया हुआ है, जैसे कि आप जब पेडल करोगे तो आपका बैटरी को सेव करने के लिए यहाँ पे एक सेंसर लगा हुआ है, ये जाके आपका बीबी सेट में लगता है। और जब आप पेडल करोगे उस टाइम आधा पावर पेडल देता है और आधा पावर आपका बैटरी से लेता है मोटर। इसमें आपका बैटरी भी बोले तो बच जाता है, जैसे कि 100 किलोमीटर अगर चलता है तो 200 किलोमीटर चलेगा। तो यहाँ पे देखिए दो चाबी दिया हुआ है और यहाँ पे एक थोटल दिया हुआ है, और थोटल के साथ ही इसका जो वोल्टेज चेक करने वाला सिस्टम वो है यहाँ पर। और आप देख सकते हो जो थोटल है उसका जो वायर है वो बहुत लंबा वायर है, और यहाँ पे थोटल के साथ ही इसका चाबी की लॉक भी दिया हुआ है। तो देखिए यहाँ पे आपको दिख जाएगा सब। तो चलिए इसको भी साइड करता हूँ। और देखिए दूसरे साइड का हैंडल का भी एक कवर दिया हुआ है यहाँ पे, ताकि ये दिखने में थोड़ा अच्छा लगे। अब यहाँ पर देखिए ये जो पावर कट वाला ब्रेक होता है वो है ये। यहाँ पे आप ब्रेक जो वायर है वो भी लगा सकते हो, और इसमें दो वायर ऐसे भी दिया हुआ रहता है पावर कट के लिए। जब आप इस ब्रेक को दबाओगे तो ऑटोमेटिक कंट्रोलर का जो पावर है वो कट हो जाएगा और आपका कंट्रोलर स्टॉप हो जाएगा। फिर ये इस जगह ब्रेक का जो आपका तार आता है उसको लगा के आप गाड़ी को रोक सकते हो। तो इसके लिए देखिए कटअप वायर वाला प्लग इसमें लगा हुआ है, बाकी जो ब्रेक का वायर रहेगा वो आपको लगाना पड़ेगा इसमें। तो इसका भी कनेक्शन आप लोगों को इसी वीडियो में दिख जाएगा। बाकी ये सब है किट, जैसे कि आपका हब मोटर का जो जहाँ पे सेटिंग होगा वहाँ पर नट बोल्ट सब कुछ यहाँ पे दिया हुआ है। तो चलिए इसको भी अंदर डाल लेता हूँ क्योंकि इसका अभी काम फिलहाल नहीं है, अभी मोटर को निकालेंगे उसके बाद उसको कनेक्शन करके दिखाएंगे आप लोगों को। तो देखिए मोटर यहाँ पे बोले तो लपेटा हुआ है। तो चलिए पहले मोटर को खोलता हूँ फिर आप लोग देखिए। तो ये है हमारा हब मोटर। तो इसमें देखिए मोटर का जो वायर है वो भी बहुत लंबा वायर है, और ये मोटर और कंट्रोलर है हमारा 350 वाट का और 36 वोल्ट का। तो ये वाला सेंसर वाला वायर है, और ये जो तीन वायर दिख रहा है ये फेज़ वायर है, मोटा वाला जो तीन है वो फेज़ है, और बाकी 5 गो सेंसर वाला वायर है, जैसे कि ई रिक्शा में रहता है सेम टू सेम इसमें भी है। तो चलिए अब इसका कनेक्शन करके आप लोगों को दिखाएंगे, ठीक है। तो चलिए हम कंट्रोलर को पहले ले लेते हैं, और पहले ही हम मोटर के साथ कनेक्ट करेंगे। तो मोटर का जो मोटा वाला तीन वायर है देखिए, इसको कलर टू कलर कंट्रोलर में भी सेम टू सेम पिन में मिलेगा, उसको सिंपल लगा देना है कलर टू कलर, ठीक है। जो कलर में कंट्रोलर में है उसी सेम टू सेम कलर का आपका मोटर में भी मिलेगा। ऐसा नहीं कि ई-रिक्शा में जिस तरह से चेंज कर करके करना पड़ता है, इसमें वैसा कोई सिस्टम नहीं है, आप सेम टू सेम लगाना पड़ेगा आपको। और देखिए ये वाला है हमारा टोटल का, टोटल में है रेड ग्रीन और एक ब्लैक। तो ये भी हमारा देखिए टोटल में भी सेम टू सेम मिलेगा आपको, रेड ग्रीन और ब्लैक, इसको सिंपल वहाँ पे लगा देना है, ठीक है। तो चलिए इसको भी लगा दिया। अब हमको लगाना है क्या, चाबी वाला वायर को यहाँ पे लगाना है। तो चाबी का वायर भी इसी जगह दिया हुआ है देखिए, और जो चाबी वाला वायर है वो भी आपको दिखाता हूँ। देखिए ये है हमारा
एक्सेलेटर वाला वायर और चाबी वाला वायर है पीला और एक वाइट, ठीक है। कंट्रोलर में भी आपको सेम टू सेम कलर का मिलेगा, पीला एंड वाइट, ठीक है। ये दोनों सेम टू सेम कलर का मिलेगा, आपको सिर्फ देख के लगा देना है। सेम टू सेम कलर कंट्रोलर और आपका थोटल दोनों में ही रहेगा चाबी वाला वायर। और देखिए कंट्रोलर में इस तरह का एक 5 पिन का वायर मिलेगा, एक ही मिलेगा, उसको सिर्फ सिंपल सेम जो आपका मोटर से सेंसर वाला वायर आता है उसमें लगा देना है, ठीक है। ये भी कलर टू कलर रहेगा, कलर टू कलर आपको लगा लेना है। मोटर वाले में पिन बोले तो प्लग नहीं लगा हुआ था तो मैं इसमें लगा दिया कलर टू कलर देख के। आप जब नया लोगे तो उस टाइम हो सकता है कि प्लग नहीं लगा हुआ रहेगा कपलर, तो आपको कलर टू कलर मिला लिख के कपलर लगा लेना है, क्योंकि उसमें एक्स्ट्रा कपलर दिया हुआ रहता है, ठीक है। तो चलिए आप जो यहाँ पे दो प्लग दिख रहा है, एक आपका वाइट एंड ब्लैक, तो ये दो कपलर में मिलेगा कंट्रोलर में। इसको सिंपल लगाना है, हमारा जो ब्रेक से जो एक वायर आया है, जो ब्रेक लेवर से हमारा वायर आया है दो, तो उसको हमको इस कंट्रोलर में लगाना है। एक ब्लैक और एक वाइट रहेगा, कंट्रोलर में भी दोनों प्लग रहेगा और आपका दोनों ब्रेक लेवर में दोनों प्लग रहेगा, तो उसको सेम टू सेम लगा देना है। आप जब इसको देखोगे ना ऐसे देख के आपको पता चल जाएगा। तो चलिए बाकी का लाइट का कनेक्शन हम बाद में करेंगे, पहले हम यहाँ पे देख लेते हैं कि यहाँ पे 36 वोल्ट आ रहा है क्या, क्योंकि ये जो मोटर है वो 36 वोल्ट में चलने वाला है। अभी हम सिंपल इसमें 36 वोल्ट का कनेक्शन देंगे कंट्रोलर में, फिर एक बार मोटर को चला के देखेंगे, फिर लाइट हॉर्न का कनेक्शन भी करेंगे इसमें। और आप चाहे तो एक्स्ट्रा और भी कुछ लगा सकते हो, लेकिन इस कंट्रोलर में हॉर्न और लाइट का कनेक्शन करने के लिए एक्स्ट्रा आपको कन्वर्टर का जरूरत नहीं होगा, क्योंकि उसमें से ही आपको वोल्टेज मिल जाएगा और प्लग भी उसमें लगा हुआ है। तो चलिए मैं इसमें 48 वोल्ट का पावर दे दिया, अब एक्सेलेटर को दबा के देखते हैं। देखिए जब भी चाबी को ऑन किया तो यहाँ पे फुल चार्ज का लोगो शो कर रहा है, और यहाँ पे आप पहले ही देखे थे मल्टीमीटर में जब मैं वोल्टेज चेक किए तो वहाँ पे 35.9 वोल्ट दिखा रहा था। इसका मतलब था कि वहाँ पे 36 वोल्ट नहीं था, वोल्टेज थोड़ा कम था। इसकी वजह से देखिए जब भी एक्सेलेटर को दबा रहा हूँ उस टाइम क्या हो रहा है, टोटल में जो मीटर दिया हुआ है वोल्टेज चेक करने वाला वो मीटर थोड़ा सा ड्रॉप हो रहा है जब भी एक्सेलेटर को दबा रहा हूँ। देखिए इसका मतलब है कि बैटरी में थोड़ा सा वोल्टेज कम है इसकी वजह से। और देखिए यहाँ पे मैं जो पावर कट वाला सिस्टम को चालू किया था, देखिए इसको दबाते ही आपका मोटर ऑफ हो जा रहा है। इसका मतलब है कि पावर कट सही से काम कर रहा है। जिस तरह से आपका ई रिक्शा का कंट्रोलर में भी दिया हुआ रहता है, जब भी आप ब्रेक को दबाते हो तो कंट्रोलर स्टॉप हो जाता है, उस तरह से ही इसका भी सिस्टम सेम टू सेम दिया हुआ है। तो ये फुल किट अगर आप लोगों को किसी को चाहिए तो मुझसे कॉन्टेक्ट करके ये भी ले सकते हो डिवाइस पुलर की तरह, अगर आप गाड़ी वगैरह बनाना चाहते हो तो। और अगर आप लोग समझते हो कि इसको फिटिंग में कुछ गड़बड़ी हो सकता है तो अगर मुझको बोलोगे तो मैं इसका पूरा कनेक्शन जिस तरह से अभी देख रहे हो इस तरह से कनेक्शन करके पेटी में डाल के पार्सल करके आपको भेज सकते हैं, या तो अगर आपका नज़दीकी कहीं पे मिलता है तो वहाँ से भी आप जाके ले सकते हो। तो देखिए ये वाला है हमारा जो पावर सेवर वाला सेंसर जो लगता है हमारा जो साइकिल में जब सेटिंग होता है तो बीबी सेट में जाके लगता है। और इसके लिए भी कंट्रोलर में एक ब्लैक रेड और एक थोड़ा सा ब्राउन टाइप का एक वायर मिलेगा, उसमें डायरेक्ट लगा देना है। अगर आप इसका कनेक्शन करोगे तो क्या होगा, जब भी आप थोड़ा पेडल करना चाहते हो तो पेडल करोगे, आप आधा पेडल करोगे और आधा कंट्रोलर बोले तो कंट्रोलर आपको वोल्टेज देके मोटर को घुमाएगा, तो आपको भी तकलीफ नहीं होगा और आपका जो बैटरी है वो भी बोले तो बच जाएगा। फिर जहाँ पे आप 100 किलोमीटर चलाने वाले थे वहाँ पे आप 200 किलोमीटर चला सकते हो, वो भी आपको कोई भी बोले तो तकलीफ नहीं होगा चलाने में, आपका बैटरी सेव हो जाएगा उसमें। तो चलिए आप लाइट का भी कनेक्शन करके दिखाते हैं। इसमें देखिए 3 प्लग एक्स्ट्रा भी पड़ा हुआ है, तो कंट्रोलर से तो आपका 3 गो वायर निकला लेकिन बाहर आके 3 गो प्लग में बैठ गया, एक ब्लैक वाला प्लग में और 2 रेड में बोले तो वाइट वाला प्लग में। तो हमको सिंपल देखिए जो ब्लैक वाला प्लग है उसको सिंपल कनेक्शन कर देना है लाइट के साथ, और जो 2 वाइट वाला प्लग है उसको शॉर्ट करते ही लाइट या तो हॉर्न जलेगा। आप देख सकते हो यहाँ पे साउंड भी आप लोग देखोगे। तो अभी जो स्विच पहले ही देखे थे उसको भी कनेक्टेड करेंगे, फिर आपको पता चल जाएगा कि किस तरह से ये भी वर्क करता है। इसके लिए आपको एक्स्ट्रा कोई वोल्टेज देने की ज़रूरत नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं शॉर्ट कर रहा हूँ तो देखिए यहाँ पे लाइट हॉर्न दोनों बज रहा है। तो ये स्विच को लगा के आप लोगों को दिखाते हैं। अभी साउंड थोड़ा मैं बोले तो म्यूट करके रखा था क्योंकि बाहर से बहुत शोर आ रहा था इसके वजह से। अभी इसको लगाने के बाद आपको साउंड सुनाएंगे अच्छी तरह से।
तो देखिए यहाँ पे अभी ये रेड वाला है आपका लाइट का स्विच, तो रेड वाला स्विच को ऑन करते ही देखिए लाइट जल रहा है, और जब ग्रीन वाला को दबा रहा है तो आपका जो हॉर्न है वो बज रहा है। ये ग्रीन वाले को दबाते ही हॉर्न बज रहा है यहाँ पे। तो मैं पहले ही बोला था कि यहाँ पे जो बैटरी है थोड़ा सा डाउन है बैटरी, इसके वजह से जब हाफ मोटर को घुमा रहे उस टाइम लाइट थोड़ा स्लो जल रहा था, हाफ मोटर का भी बंद किया तो लाइट बराबर जल रहा है, और इधर हॉर्न भी अभी बराबर चल रहा है। आपको लिथियम अगर बैटरी लगाओगे 36 वोल्ट का तो उसमें प्रॉपर काम करता है। मैं देखिए वो कोने में है, बाइक का जो बाइक का बैटरी आता है उससे ही अभी टेस्टिंग कर रहा था मैं, और तीनों बैटरी में से एक बैटरी में वोल्टेज थोड़ा कम था, इसके वजह से जब भी मोटर को घुमा रहा था उस टाइम थोड़ा सा लाइट धीमी हो जा रहा था। तो आप इस तरह से कनेक्शन कर सकते हो। और आप लोगों का अगर ई रिक्शा कंट्रोलर टेस्टर डिवाइस ड्राम पुलर एक्सेल पुलर बियरिंग पुलर मैग्नेट पुलर ये सब चाहिए तो मुझसे कांटेक्ट करके ले सकते हो। ऑल इंडिया का कहीं पे भी मैं भेज सकता हूँ, उसके लिए आपको आपका फुल एड्रेस मेरे व्हाट्सएप पे सेंड करना होगा, और पैसे फोन पे पेटीएम या तो गूगल पे में किसी भी तरह आप पैसे पे करना होगा, तो यहाँ से स्पीड पोस्ट के जरिए सामान को भेज दिया जाएगा आपके घर तक, जहाँ से भी आप ऑर्डर करते हो वहाँ तक पहुँचा दिया जाएगा। तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।